Hello students, good morning to all. Today I am going to explain here the difference between RER and SER. Students, the first difference between the SER and RER is that it has smooth surface. जो SER में क्या होता है students, इसकी surface smooth होती है due to absence of ribosome. जिस ER की सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते हैं वो सरफेस स्मूथ होती है, इसलिए से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. सेकेंड है स्ट्रेट RER. RER का मीन्स होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये रफ इसकी सरफेस होती है. क्यों रफ सरफेस होती है? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो राइबोसोम के प्रेजेंस होने की वजह से इसकी सरफेस रफ होती है, इसीलिए RER कहलाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट SER मेनली ट्यूब्यूल और बसाइकल से बनी होती है. तो ट्यूब्यूल और बसाइकल मिलके ही SER का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट है RER. इट कंसिस्ट मेनली सिस्टमी एंड वेरी फ्यू ट्यूब्यूल. इसमें कुछ मेनली सिस्टर्नी होती है और कुछ ही ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल मिलके RER का फॉर्मेशन कर देते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड डिफरेंस, इट हैज बीन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन. ये SER का वर्क है लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करना. और नेक्स्ट है स्टूडेंट RER का रोल है इट हैज बीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन सेल के अंदर जो सिंथेसाइज होती है वो RER में ही होती है. नेक्स्ट है इट इज फाउंड इन लिपिड एंड स्टेरॉइड सेक्रेटिंग सेल्स. ये SER ज्यादातर लिपिड और स्टेरॉइड सेक्रेटिंग सेल्स में पाई जाती है, जैसे लीवर सेल्स या एडिपोज सेल. बॉडी के अंदर जो लीवर सेल और एडिपोज सेल होती है वहां पे ये SER ज्यादा उन सेल्स में पाई जाती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट RER. RER इज फाउंड इन प्रोटीन सेक्रीटिंग सेल्स. जो सेल प्रोटीन को सेक्रीट करती है जैसे फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट में RER का प्रेजेंस बहुत ज्यादा.